हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एमपी पुलिस के कांस्टेबल के मैथ्स के पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते तो नीचे प्लीज़ अपने कमेंट करके सुझाव दीजिएगा। और दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये वीडियो मैं रेलवे स्टेशन में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपसे कि आज एमपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये मैथ्स में। उन्होंने क्या क्या हमारे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछे, तो सीरीज से क्वेश्चन आया था 13, 18, 38, 63, 93, 128, 168 लिखा था। इसमें 213 नेक्स्ट इसका आंसर था। इसके बीच में 18 माइनस 13 करके 38 माइनस 18 करके गैप निकाल के हम आप आसानी से देख सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक आदमी कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, उसमें 50 रुपये लगाकर 550 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने % प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, उसको 10% का प्रॉफिट होगा। मैंने उसको सॉल्व करके बता दिया है, तो आप देख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की अगर तरफ चलते हैं तो उसमें एक सीरीज के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आए थे सुबह के शिफ्ट में। आप अगर कोई आपको फ्रेंड दिया होगा तो उनको ये क्वेश्चन दिखा के पूछवा सकते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन 100% सुबह के शिफ्ट में आए थे और एक एक वर्ड के साथ सेम 512 डैश करके 1688 आया था। यहाँ पे आपको निकालना था। दोस्तों, अभी मैं आपको सोल्यूशन इसका नहीं दे पाया हूँ, बट डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगा। अभी फिलहाल ये वीडियो से आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा। एक क्वेश्चन फोर्थ था 517, 37, 65, 100, 104, इसमें आपको गलत एक वर्ड वो ढूंढना था, इसमें कौन सा गलत है। एक क्वेश्चन आया था -1/4 पावर 2 डिवाइडेड बाई -1/4 पावर 6, इसकी वैल्यू निकालनी थी कि ये कितना है। एक क्वेश्चन आया था 2 4x-3/(-x+3) था, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो दोस्तों, आप 2 4x-3 = 2x-x+3 करके आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। और दोस्तों, एक इक्वेशन आई थी x²-3x-18, इसको सॉल्व करना था, काफ़ी इजी था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन आया था जिसमें एंगल ए दिया हुआ था, 135 डिग्री दिया हुआ था, और उसमें एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड करना था। तो अगर आपने किया हो तो मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मेरे पास उसका पूरा क्वेश्चन तो नहीं आ पाया, बट जितना मेरे पास आया है मैंने आपको समझाने की कोशिश। एक क्वेश्चन माध्यिका से मीडियम से निकालने के लिए आया था, कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उस नंबर को अरेंज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद आपको उसमें माध्यिका निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन वैसे मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे, बस आपको थोड़ा आराम से मैथ्स के सॉल्व करने हैं, और पिछले साल के अगर आपने क्वेश्चन लगाया तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था ऑरेंज को कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है, इसका आंसर है 720 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। बहुत इजी आंसर है, मतलब ये जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे सब मिनिमम 30 सेकेंड 40 सेकेंड में सॉल्व हो रहे थे। इसने क्या अगला क्वेश्चन आया था, ए था ए डबल ए सी था ए ट्रिपल ए ट्रिपल सी था। तो अगला क्या होगा, तो इसमें 4A होगा, फिर CCEG होगा। कुछ क्वेश्चन था गुड बॉय डॉक्टर का होगा, तो रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी गुड बॉय डॉक्टर का होगा। फ्लिप फॉक्स है, एक फ्रेंड आर गुड का होगा, तो वॉन्ट हो फेक, तो गुड का क्या होगा, गुड को क्या लिखेंगे। इसमें आंसर इसका होप था। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपसे बन जाता। एक क्वेश्चन आया था ABCA AB CCA-BBCE, तो इसका दोस्तों आंसर बहुत ही ईजी है, यहाँ पे AACCBB होगा। तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या था और आपने क्या भरा है। और डोर का क्या होगा, तो ऐसे विंडो का कोड क्या होगा, तो YKPFQY इसका आंसर होगा। मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, तो आप आसानी बता सकते हैं। मीन का ड्रिंक होता था, टीम का क्या होगा। दोस्तों, मैंने आपको आज के रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल 100% दिया। अगर आपका कोई दोस्त होगा तो आप उससे पूछ लीजिएगा, ये 100% सत्य क्वेश्चन है। CI दोस्तों, कुछ क्वेश्चन CI से भी पूछे जा रहे हैं, और ये सभी कवर लिफाफे इस तरह के जो क्वेश्चन है सोल्यूशन, ये कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके सारे आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। मैं कल भी आपके लिए लाऊंगा वीडियो। थैंक यू।